पेठा कितना सुंदर, कितना बड़ा बड़ा खुला पेठा लगा हुआ है। तो दोस्तों कभी देखिए एक साथ इतनी हरी हरी फ्रेश मिर्चीज, ये देखिए कितनी फ्रेश मिर्ची है। इसको तोड़ के मंडी में लाया जाता है। दोस्तों ये देख सकते हो पूरी बेल है घी की, ये तैयार हो चुका है, ये तैयार हो रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। बैंगन के पेड़ है, ये बैंगन के फूल जिसको कुछ लोग बताऊ भी कहते हैं। तो भाई हमारे साथ है गुरचरण सिंह जी जो इस खेत की रखरखवाली करते हैं। घी कितने दिन में बड़ा हो जाता है? यार दूसरे दिन तैयार हो जाता है। दूसरा दिन ही पेठा? पेठा तो ले जाता है हफ्ता एक, हफ्ता एक। मिर्ची? मिर्ची भी हफ्ता एक। टमाटर? दोस्तों आप सब डेली मिर्ची तो खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं मिर्ची बागों में कैसे लगती है और कैसी दिखती है? यही है वो असली मिर्ची जो आप डेली खाते हैं और अपनी सब्जियों में, अपने मसालों में, अपनी सब्जी को बढ़िया तड़का देने में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए दिखाते हैं मिर्ची लगती कैसे है। ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर सुंदर मिर्ची लगी हुई है। ये थोड़ी सी सूख गई है, ये एकदम फ्रेश है। थोड़ी सी और दूर जाके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों ये मिर्ची कुछ इस तरीके की होती है। ये देखिए कितनी फ्रेश मिर्ची है, ये देख सकते हैं आप कितनी फ्रेश मिर्ची है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, एक बढ़िया जगह देखते हैं मिर्ची कहाँ बड़ी बड़ी लगी हुई है थोड़ी सी। ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर सुंदर मिर्चियाँ लगी हुई हैं। ये है मिर्ची असली दोस्तों, जो हम बागों से ऐसे मिर्ची लगती है और ऐसे इसको तोड़ के मंडी में लाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए है ना बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अब कोशिश करता हूँ आपको कोई और सब्जी दिखाता हूँ, क्योंकि आज हम खेतों में आए हुए हैं और हम फ्रेश सब्जी तोड़ने की और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे से भी थोड़ी सी मिर्ची देख लेते हैं। वाओ है ना कितना ब्यूटीफुल। ये लाल मिर्ची भी यहाँ लगी हुई है, ये देखिए दोस्तों कितनी प्यारी मिर्ची है। ये लाल कैसे हो जाती है? जो थोड़ी सी सूखना शुरू हो जाती है या फिर कोई बीज अलग हो जाता है तो वो लाल कलर में चेंज होती है। जैसे आपने कैप्सिकम देखे होंगे, ये देखिए तो ये पूरी लड़ी लाल मिर्चियों की है। यहाँ भी लाल है, यहाँ भी लाल है, ये पूरी लड़ी लाल मिर्चियों का है। तो दोस्तों कभी देखिए एक साथ इतनी हरी हरी फ्रेश मिर्चीज। यही मिर्चीज हैं जो डेली आप खाते हैं घर पे, और जब इसको हम खुशबू लेते हैं ना खेतों से तो ऐसे लगता है एकदम प्यारी हरी हरी मिर्ची है। आज मजा आने वाला है यार, कुछ खास आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आज हमारा मेन एफर्ट ये है कि डिलीशियस फूड के जरिए से हम आपको खास खास खेत में लगने वाली सब्जियां दिखा सके। अभी हमने आपको हरी मिर्ची दिखाई, तो आज हम डिलीशियस फूड के माध्यम से आपको ढेर सारी सब्जियां खेत में कैसे लगती है दिखाने वाले हैं। अब हम आगे हैं, यहाँ पे घिया लगा हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हैं पूरी बेल है घिये की, ये तैयार हो चुका है, ये तैयार हो रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से घिये लग के तैयार होते हैं। ये घिये का फूल है दोस्तों, ये देख सकते हो ये घिये के फूल है जो बाद में धीरे धीरे बड़े होंगे। ये घिये के फूल है, ये बड़े हो जाएंगे और इसमें से फिर घिया लग जाएगा। अब कोशिश करते हैं आपको एक और चीज दिखा फटाफट से। और ये आपने घिये की देख ली, मिर्ची देख ली, घिया देख लिया, अब हम आपको दिखाने वाले पेठा। पेठा भी कुछ घिये की तरह उसकी बेल में ही लगता है, और ये है पेठे की बेल। ये देख सकते हैं दोस्तों पेठा कितना सुंदर, कितना बड़ा बड़ा खुला पेठा लगा हुआ है। तो ये पेठा दोस्तों आपको घरों तक पहुंचता है और आप ये विटामिन्स मिनरल्स अच्छे से खाते हैं। तो ये है सारे हमारे पेठे के बाग, बहुत पूरा ही पेठा ही पेठा है। तो अभी आपने देख लिया पेठा, आपने देख लिया घिया, आपने देख ली मिर्ची, ये है टमाटर। टमाटर आपको मालूम था किस तरीके से लगते हैं, तो दोस्तों देख सकते हो कैसे टमाटर लगे हुए हैं। कुछ ये देसी टमाटर है, अभी कुछ लाल हो चुके हैं और कुछ अभी सफ़ेद है, धीरे धीरे पक्के लाल होंगे। ये बहुत खट्टा इसका स्वाद होता है, और ये बागों में ना पूरी इसकी लड़ी की लड़ियाँ लगी हुई हैं, और ये एकदम प्योर है। खेतों से हमारे घरों तक पहुँचने में 5-7 दिन लग जाते हैं, लेकिन ये खेतों से तोड़ा हुआ ना एकदम प्योर होता है। यहाँ पे कुछ बैंगन लगे हुए हैं, बैंगन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपने अभी ढेर सारी देख ली हैं, ये बैंगन के पेड़ हैं, ये बैंगन के फूल जिसको कुछ लोग बताऊ भी कहते हैं। बैंगन धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अभी पके नहीं है। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का बैंगन का फूल और पेड़ होता है। ये बैंगन का फूल है जो बाद में बैंगन, जिसमें से खिल के बैंगन बनेगा। ये देख सकते हो खिलना शुरू हो गया है, इस फूल से ये बैंगन खिलना शुरू हुआ है, देख सकते हो इस फूल से ये बैंगन खिलना शुरू हुए। तो दोस्तों ये है शिमला मिर्च, आपके घरों में इसे पिज्ज़ा में पास्ता में यूज़ किया जाता है। इसे कैप्सिकम भी कहते हैं, बेल पेपर भी कहते हैं। लाल और हरे रंग की भी आती है और येलो कलर की भी आती है।
तो ये एकदम ताजी है, एकदम फ्रेश है, खेतों में लगी हुई है, एकदम बहुत ही बढ़िया है। आपको बहुत ही मजा आएगा, इसको खाएंगे ना एकदम फ्रेश। तो कुछ इस तरीके के इसके फूल होते हैं और इस तरीके के इसके बाग होते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके के बाग हैं, ये बहुत ही सुंदर है। तो भाई हमारे साथ है गुरचरण सिंह जी, जो इस खेत की रखरखवाली करते हैं और ये शिमला मिर्च इन्हीं के ध्यान में, इन्हीं के हिसाब से इसको बड़ा किया गया। गुरचरण जी, कितने दिन में बड़ी हो जाती है शिमला मिर्च? हफ्ते में हो जाती है। हफ्ते में ही? तो हफ्ते इसको लगाए हुए कितने दिन हो गए पेड़ों को? पेड़ों को तो 6 महीने हो गए। 6 महीने, लेकिन हफ्ते में इसका फूल से पूरी शिमला मिर्च तैयार हो जाती है। जो छोटी छोटी है वो हफ्ते में बड़ी हो जाएगी। बड़ी हो जाएगी। चलो, ऐसे हमने अभी आपके घिये देखे थे, घिये कितने दिन में बड़ा हो जाता है? घिया दूसरे दिन ही तैयार हो जाता है। दूसरा दिन ही? पेठा? पेठा तो ले जाता है हफ्ता एक। हफ्ता एक। मिर्ची? मिर्ची भी हफ्ता एक। टमाटर? टमाटर भी हफ्ता ही ले जाता। तो दोस्तों, इन सबके फूल आने के बाद ये लगभग दो दिन चार दिन से हफ्ते के बीच में तैयार हो जाते हैं। और देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी शानदार शिमला मिर्च है। आप डेली खाते हैं और अपनी सब्जियों में, अपने मसालों में, अपनी सब्जी को बढ़िया तड़का देने में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए दिखाते हैं मिर्ची लगती कैसे है। ये देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर सुंदर मिर्ची लगी हुई है। ये थोड़ी सी सूख गई है, ये एकदम फ्रेश है। थोड़ी सी और दूर जाके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मिर्ची कुछ इस तरीके की होती है। ये देखिए कितनी फ्रेश मिर्ची है, ये देख सकते हैं आप कितनी फ्रेश मिर्ची है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, एक बढ़िया जगह देखते हैं मिर्ची कहाँ बड़ी बड़ी नेकी लगी हुई है थोड़ी सी। ये देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर सुंदर मिर्चियाँ लगी हुई हैं। ये है मिर्ची असली दोस्तों, जो हम बागों से ऐसे मिर्ची लगती है और ऐसे इसको तोड़ के मंडी में लाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, है ना बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अब कोशिश करता हूँ आपको कोई और सब्जी दिखाता हूँ, क्योंकि आज हम खेतों में आए हुए हैं और हम फ्रेश सब्जी तोड़ने की और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे से भी थोड़ी सी मिर्ची देख लेते हैं। वाओ, है ना कितना ब्यूटीफुल। ये लाल मिर्ची भी यहाँ लगी हुई है दोस्तों, कितनी प्यारी मिर्ची है। ये लाल कैसे हो जाती है? जो थोड़ी सी सूखना शुरू हो जाती है या फिर कोई बीज अलग हो जाता है तो वो लाल कलर में चेंज होती है। जैसे आपने कैप्सिकम देखे होंगे, ये देखिए, तो ये पूरी लड़ी लाल मिर्चियों की है। यहाँ भी लाल है, यहाँ भी लाल है, ये पूरी लड़ी लाल मिर्चियों का है। तो चलिए दूसरी सब्जी देख ली, घिया देख लिया, अब हम आपको दिखाने वाले पेठा। पेठा भी कुछ घिये की तरह उसकी बेल में ही लगता है और ये है पेठे की बेल। ये देख सकते हैं दोस्तों, पेठा कितना सुंदर, कितना बड़ा बड़ा खुला पेठा लगा हुआ है। तो ये पेठा दोस्तों आपको घरों तक पहुंचता है और आप ये विटामिन मिनरल्स अच्छे से खाते हैं। तो ये है सारे हमारे पेठे के बाग, बहुत